हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th और 10th ग्रेड की मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स में करवा रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। जब मैंने अपने 9th और 10th की आउटलाइन कवर कराना स्टार्ट की थी, मैंने आपको सब रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सबको बताया था कि वो क्या होते हैं। मैं आज आपको बस थोड़ा सा बताऊंगी रैशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं और q ≠ 0, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में या फिर आप कह सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएँ, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो मैथ में ये वाली फॉर्म अनडिफाइंड होती है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए रैशनल नंबर की पहली कंडीशन ये है p/q की फॉर्म हो। सेकंड कंडीशन ये है कि q ≠ 0, जो क्वोशंट है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल ना हो। इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं, इस तरह के नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। इन प्रॉब्लम्स में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम होता है सिंपल, जो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म। एक होता है वर्ड प्रॉब्लम। आज हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। सिंपल, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, आपने सिंपली इसको किस तरह सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के लिए एक ही आपने माइंड में रखना है टेक्निक क्या है। आपने देखना है p/q, जिसको मैं लिख सकती हूँ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अगर तो आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको दो तरह, अगर रैशनल नंबर को ऐड करना है तो जाहिर बात है आपके पास p/q दो तरह की फॉर्म होगी, p1/q1 + p2/q2। एक ये आपके पास फॉर्म होगी, एक ये आपके पास फॉर्म होगी। दोनों को आपने ऐड करना होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स को ऐड करना है तो दोनों ही रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर को जब भी आपने ऐड करना है तो आपने क्या देखना है कि क्या डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अगर तो q1 = q2 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने सिंपली क्या करना है, p1 + p2 कर देना है। आपने डिनोमिनेटर को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर q1 और q2 दोनों सेम है, q के इक्वल हैं, तो आपने q ऊपर p1 + p2 कर देना है। यह आपने टेक्निक अपने माइंड में रखनी है। अगर आपके पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में आपने देखना है डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, आपने डिनोमिनेटर्स को जस्ट ऐड करना है। सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो यही टेक्निक को आपने यूज़ करना है, p1 - p2/q1 - q2। आपने देखना है अगर तो q1 q2 दोनों सेम है, q कोई भी नंबर में कह रही हूँ सेम है, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है, तो आपने सिंपली डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ लिखना है और p1 - p2 कर देना है। नॉमिनेटर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी आपका रिजल्टिंग आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये होता है तरीका किस तरह हमने रैशनल नंबर्स को करना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर कैसे करना है। तो आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को आप किसी भी तरीके से सेम कर सकते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप इस फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। आप ट्राई करें किसी तरीके से डिनोमिनेटर को सेम करना। जो आपको लगे इजी अप्रोच है, आपने उसको सेम करना है। सेम करने के बाद आपने फिर से यही टेक्निक लगा देनी है। मैं भी आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी, आपको कुछ ज़्यादा समझ एग्जाम्पल से आएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्निक क्या है। आपने बेसिक जो पीछे फार्मूला यूज़ करना है रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, वो ये होगा कि डिनोमिनेटर सेम कर दें, नॉमिनेटर को ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। अब मैंने अभी आपको बताया दो तरह के प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको कराऊंगी। एक होगा सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आपने करना है, और एक होगा वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन। पहले मैं सिंपल करवाऊंगी, फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 2 1/3, आपने ऐड करना है -2/3 में। ये आपके पास एक ये रैशनल नंबर है, एक ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने इसलिए ये वाली मिक्स्ड फॉर्म ली ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। 2 1/3 इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम रैशनल नंबर तो कहेंगे, है ये रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे ये मिक्स्ड फॉर्म में है, जिसको हम मिक्स्ड फॉर्म भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से, मिक्स्ड फॉर्म कह दें, मिक्स्ड फ्रैक्शन कह दें, मिक्स्ड नंबर कह दें। इसको आपने पहले रैशनल नंबर बनाना है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, 3 × 2 6। जो भी नंबर रिजल्टिंग नंबर आएगा उसको आपने नॉमिनेटर के अंदर ऐड करवा देना है। तो 3 × 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, तो आपने 7/3 लिखना है। ये तरीका होता है मिक्स फॉर्म को नॉर्मल इम्प्रॉपर फॉर्म में लाने का। इम्प्रॉपर फॉर्म अब क्या होती है, टर्म्स में टर्म्स निकलनी, इसलिए मैं आपको इम्प्रॉपर का भी बता देती हूँ। ये हमने मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फॉर्म बनाई है, इसको मैं इम्प्रॉपर फॉर्म कहती हूँ। इम्प्रॉपर ऐसी फॉर्म होती है जिसमें नॉमिनेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। 7 भरा है 3 से, तो ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो इम्प्रॉपर फॉर्म हमने मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फॉर्म बनाई। अब इसको हमने ऐड करवाना है -2/3 के अंदर। अब आपने क्या देखना है, 7/3 ± -2/3। अगर आप नोट करें डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम है, तो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने जो भी नोमिनेटर होंगे उनको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है। तो ये 5/3 आपका रिजल्टिंग आंसर आ गया। इसी तरह आपने रैशनल नंबर जितने भी आपके पास होंगे आपने उनको सॉल्व करते जाना है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। लेट्स सपोज आपके पास है 2 1/2 + 6। यहाँ पे मैं इसको माइनस का कर रही हूँ ताकि आपको इस तरह की समझ भी चीज़ें आ जाएँ। अब आप देखें यहाँ से फिर हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म आ गई है। इसको आपने इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके जाना है। आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ आएगा 4, 4 में 1 को ऐड करना है तो 5 -5/2 + 6। अब यहाँ पे 6 जो है वो एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। इसको आप रैशनल फॉर्म दे सकते हैं अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं। हर नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, उससे हमारे क्वेश्चन को कोई भी टर्म को अफेक्ट नहीं होगा, ये 6 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम रैशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप इसके नीचे भी या तो 2 बना दें या फिर इसको 1 बना दें। तो मेरे लिए इसको बनाना इजी है 2, तो मैं क्या करूँगी 5/2 एज इट इज़ लिखूँगी। 6/1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपने सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को तो टर्म में अफेक्ट नहीं होता। मैथ में आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दें और नॉमिनेटर को रहने दें, आपने दोनों के साथ करवाना है। तो यहाँ पे भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। 6 2s are 12, 1 2s are 2। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस, डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप 2 लिख दें। -5 + 12, नॉमिनेटर को हम वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7/2। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग आंसर होगा किस तरह हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी किस तरह हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कहते किसे, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकली हमें क्वेश्चन नहीं आता बल्कि हमें सेंटेंस की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसको हमने देखना होता है कि इसके अंदर हमने किस तरह स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस को हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, जिसके अंदर वर्डिंग यूज़ हो, जिसके अंदर सेंटेंस यूज़ हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, अ कारपेंटर bought a piece of wood that was 10.9 meters long .1 meters of the end। एक कारपेंटर है जिसने एक पीस लिया है वुड का 10.9 मीटर वो उसकी लेंथ थी, उसने उसमें से 10.1 मीटर एंड से उसने उसको काट लिया है। देन हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ वुड नाउ। अब बाकी कितना वुड का जो पीस है वो रिमेनिंग बच गया है। अब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि उसकी जो भी वुड की पीस की लेंथ थी वो थी 10.9, जिसमें से 10.1 एक एंड से कर लें, इस एंड से 10.1 उसने पीस काट दिए वुड से, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो कितना है ये हमारे पास क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 10.9 मीटर थी उसकी लेंथ, 10.1 हमने उसमें से काट दी है, तो बाकी हमारे पास कितनी बच गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर हमें ये होता कि उसके पास इतना पीस था, उसने उसके अंदर इतना पीस ऐड कर दिया, तो अब टोटल कितना है, तो हमें पता चल जाता है कि सम अप करना है हमने। यहाँ पे हमें पता है कि क्वेश्चन का जो भी आप फॉर्मेट देखेंगे जब आप उसको ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो रिमेनिंग पार्ट हमें मिल जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है आंसर के लिए। इसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। आपने वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी वर्डिंग होती है आपने उसके देखना होता है, जज करना होता है कि इसमें हमसे वो पूछ क्या रहा है। हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ वुड नाउ, कितना रह गया अब, तो हम क्या करेंगे जस्ट टोटल जितने भी मीटर्स हैं उसमें से जितने भी उसने काट दिए हैं उतने मीटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 10.9 में से 10.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0.8 मीटर्स रिमेनिंग बच जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको 10.1 यहाँ से डेसिमल उठा के यहाँ पे कर सकते हैं, डेसिमल उठा के यहाँ पे कर सकते हैं। ये सिंपल जो हमारे पास होता है आप इस तरीके से भी इसको लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी जो भी आप आंसर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है सेम, तो 109 माइनस 101 तो ऊपर आ जाएगा 08 और नीचे आ जाएगा 10। अगर आप इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर्स बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो मेथड था इसमें क्या होता है, जस्ट आपने डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे 1 लिखना है और डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर देना है, और उसके आगे डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी फिगर्स हैं उतने यहाँ पे नीचे ज़ीरोज़ ऐड करते जाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही फिगर था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो ऐड किया है। सिमिलरली इसके साथ दोनों डिनोमिनेटर्स सेम थे तो हम नोमिनेटर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ये था आज का लेक्चर, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। फॉर्मेट सिंपल है, आपने जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर देना है। सेम करने के बाद आपने जो भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, जो भी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है या फिर एडिशन है, आपने उसको नोमिनेटर में कर देना सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर का सेम नहीं होंगे तो डिनोमिनेटर को मैंने आपको अभी एग्जांपल्स करवाई हैं किस तरह आपने सेम करना है, आप कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।